दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे एक कार गेम के बारे में बताऊंगा जो कि 20 MB का आसपास होगा। उसके साथ साथ उस गेम में इतना लाजवाब ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों इस गेम को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को कोई भी प्राइवेसी इश्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी इस गेम बहुत ही सेफ भी कह सकते क्योंकि इस गेम ने आपकी फ़ोन से कोई भी परमिशन नहीं मांगते हैं। आप लोगों को पता होगा कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपसे कई सारे परमिशन मांग लेते हैं, जैसे कि फोन स्टोरेज परमिशन मांग लेते हैं, उसके साथ कैमरा मीडिया कई सारे परमिशन आपसे मांग लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन आपकी फ़ोन से कोई भी परमिशन नहीं मांगता है इसे आपको खेलने के लिए। चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स आपके सामने में है, वहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पर परमिशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कोई भी परमिशन नहीं मांगा है इसे आपको यूज़ करने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को और एक एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि वहाँ पर मैं पिकचैट को ओपन करता हूँ। वहाँ पर परमिशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कई सारे परमिशन मांगा रखा है, लेकिन दोस्तों आप लोग आपकी जाने अनजान में इस परमिशन को अलग कर देते हैं। उसकी वजह से आपकी फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास बहुत ही आसान तरीके से पहुँच जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसे आपको यूज़ करने के लिए उस ऐप में आप लोगों को जो भी परमिशन मांगा रखा है वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के अलग कीजिए, नहीं तो आपका घाटा आएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों उस गेम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस गेम को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस में ओपन हो जाता है। वहाँ पर आप लोगों को 5 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने के मिल जाता है, जैसे कि वहाँ पर आप लोगों को साउंड इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं यानी घटा सकते हैं। उसके नीचे आप लोगों को म्यूजिक इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग जैसे प्ले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों को कई सारे कार देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर सबसे हाई लेवल का कार लैम्बोर्गिनी है, आपका लेवल के अनुसार आप लोगों को कार सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पर जैसे एक कार को सिलेक्ट कर दूंगा वहाँ पर 2 लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर एक पेड लेवल है, उसके बाद आप लोगों को फ्री लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को फ्री लेवल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का गेम लोडिंग हो रहा है, उसके बाद उस गेम प्ले हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस गेम को थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से पता चलेगा इस गेम की ग्राफिक्स के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस गेम की ग्राफिक्स के बारे में अच्छे तरीके से पता हो चुका है। उसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ, 20 MB के नीचे यानी 20 MB के आसपास इस तरह ग्राफिक्स कोई भी गेम प्रोवाइड नहीं करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों इस गेम को कभी कभी बार खेले होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।